राजपुर के विधानसभा क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती को लेकर कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के पूर्व दर्जा राज्य मंत्री पंडित चंद शर्मा के नेतृत्व में एसडीएम की गैर मौजूदगी में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन पेश सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। कहा, भयंकर गर्मी के प्रकोप के चलते अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है, इसके साथ ही छोटे बड़े कारोबार भी प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा, जिस तरह से मोबाइल फोन पर विद्युत बिल का मैसेज भेजा जाता है, उसी तरह एक दिन पहले विद्युत कटौती का मैसेज भेजना चाहिए। इसके साथ ही अखबार के माध्यम से विद्युत कटौती की सूचना पहले ही उपलब्ध करा देनी चाहिए, जिससे लोग अपना इंतजाम कर सकें। जनता पार्टी की सरकार द्वारा अघोषित बिजली कटौती की जा रही है, तो ये पूर्ण तरीके से बंद होनी चाहिए। आज की तारीख में किसानों का, व्यापारियों का, भाजपुर की जनता त्रस्त है, क्योंकि जिस प्रकार दिन में 20-20 दफा कभी आधे घंटे के लिए आती है बिजली, फिर 10 मिनट के लिए चली जाती है, कभी एक घंटे के लिए आ रही है, फिर एक घंटे के लिए चली गई, तो जो ये जो प्रणाली है जो विद्युत विभाग की, तो उसके लिए आज एक ज्ञापन हमने माननीय मुख्यमंत्री को एसडीएम साहब द्वारा दिया है, ताकि उसका एक सिस्टमेटिक तरीका बनाया जा सके। जिस प्रकार विद्युत विभाग बिल लेने के लिए मैसेज करता है, हर महीने जिसके पास कनेक्शन है बिजली के बिल के, उसे हर महीने मैसेज आ जाता है, उसी प्रकार एक दिन पहले, ठीक है, अगर कोई कटौती होनी भी है, हालांकि हमारा सरकार से अनुरोध है कम से